इस वीकेंड नागिन 6 के ट्रैक में कुछ ऐसा दिखेगा जिसके बारे में अब तक फैंस ने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। इस वीकेंड सामने आएगा शेष नागिन का वो खुफिया शत्रु जो अब तक तो सबके सामने था लेकिन नेक इंसान के रूप में, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर है। जी हाँ, वो ही प्रोफेसर जिसने प्रार्थना को एक पिता के रूप में पाला, शेष नागिन को दुश्मनों तक पहुंचाने में मदद की, यहाँ तक कि देश पर आने वाले हर खतरे से नागिन को रूबरू भी करवाया। लेकिन अब उसी प्रोफेसर का बदला रूप देखकर सभी चौंक उठे हैं। लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि जिसे अभी तक उन्होंने शो में रक्षक के रूप में देखा है आखिर वो भक्षक बना नजर क्यों आया है। जी हाँ, नागिन 6 के हालिया प्रोमो में प्रोफेसर का बदला रूप सामने आया है जिसमें हाथ में जहरीले विष को लिए वो प्रार्थना को घुटनों पर लाने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर वाकई प्रोफेसर शो के असली विलन हैं तो उनका असली मकसद क्या है, आखिर प्रार्थना को क्यों मारना चाहते हैं प्रोफेसर, और उनका असली मकसद क्या है। क्या प्रोफेसर की मौत बस एक छलावा थी या फिर प्रोफेसर के भेष में ये कोई और नया छलिया है, और अगर ये वाकई प्रोफेसर ही हैं तो इनका असली इरादा क्या है कि वो शेष नागिन को ही मारना चाहते हैं। क्या किसी अपने की मौत का बदला लेने के लिए प्रोफेसर ने ये पूरा षड्यंत्र तो नहीं रचा था, क्या फिर नागमणि को हासिल करना प्रोफेसर का असली मकसद है। वह नागमणि के लिए तो शो में कई बार जंग देखी जा चुकी है, ऐसे में मुमकिन है कि नागमणि के जरिए शक्तिशाली बनने के लिए ही प्रोफेसर ने ये सारी ट्रेनिंग की हो। इसी के साथ शो के प्रोमो में शेष नागिन की भिड़ंत एक काले नाग से होती हुई भी नजर आई है जो बेहद विशाल है और काफी शक्तिशाली भी, जिसके बाद ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या प्रोफेसर आम इंसान ना होकर नागवंश से है। मतलब शो में प्रोफेसर के आने के बाद क्या क्या राज खुलने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि प्रोफेसर की वापसी शो में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है, आप इस ट्रैक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।